करगिल विजय दिवस के 22 साल आज पूरे हो रहे हैं और इसी के चलते द्रास में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रद्धांजलि देंगे। करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली में राजनाथ सिंह, करेंगे शहीदों को नमन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1999 में 26 जुलाई के दिन ये युद्ध खत्म हुआ था करगिल में, जिसको आज पूरे 22 साल हो रहे हैं। दिल्ली में राजनाथ सिंह शहीदों को नमन करेंगे, वहीं करगिल में भारतीय सेना की विजय के 22 साल पूरे होंगे और द्रास में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रद्धांजलि देंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। साथ में सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद रहेंगे। करगिल का वो युद्ध जिसे भुलाया नहीं जा सकता है, बीते दिन मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया था। करगिल विजय दिवस की आज 22वीं वर्षगांठ है। आज पूरा देश उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने अपने वतन के लिए जान की बाजी लगा दी। इस मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज से 22 साल पहले भारतीय सेना ने साल 1999 में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान समर्थित घुसपैठियों को करगिल से खदेड़ दिया था। ऑपरेशन विजय 8 मई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चला था, पूरे 60 दिन। और अब भारत ने जब अपनी इंच इंच जमीन से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया, तब कहीं जाकर चैन की सांस लिए। और आज ऑपरेशन विजय के 22 साल बाद देश एक बार फिर से अपने शूरवीरों को सलाम कर रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस जीत की खुशी को जबरदस्त तरीके से मनाया जा रहा है और शूरवीरों के लिए सम्मान भी जबरदस्त है। तारीख 3 मई 1999, वो तारीख जब कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराने के लिए भारतीय सेना के शूरवीरों ने ऑपरेशन विजय का इतिहास रचा। आज कारगिल विजय की 22वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन हिमालय की बर्फीली चोटियों पर रची गई पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ हिंदुस्तान की जीत पूरी हुई। हिंद के शूरवीरों ने घुसपैठिए बनकर आए पाकिस्तानी फौजियों के छक्के छुड़ा दिए और 60 दिन से ज्यादा चले युद्ध में पाकिस्तान को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। कारगिल में हिंद के शूरवीरों के प्रचंड पराक्रम को प्रणाम करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और ये जीत इतनी बड़ी क्यों है, आप कारगिल युद्ध में शामिल रहे देश के एक शूरवीर से सुनिए। इस युद्ध में जो कि 3 मई को स्टार्ट होकर 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में समाप्त हुआ, इस दौरान आर्टिलरी की लगभग 300 यूनिट्स ने 2,50,000 राउंड्स फायर करके ये युद्ध जीता। कारगिल युद्ध की हर तस्वीर जी न्यूज ने तब आप तक पहुंचाई थी। कारगिल की इस पोस्ट पर कई दिनों से दिन रात बमबारी चल रही है और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पाकिस्तानी सेना घुसपैठियों को न केवल रसद और हथियार मुहैया करा रही है बल्कि उन्हें आर्टिलरी कवर भी दे रही है, जिसकी वजह से भारतीय सेना को एक एक बंकर और एक एक चोटी पर कब्जा करने के लिए घमासान युद्ध करना पड़ रहा है। ये वो जगह है जहां दोनों पक्षों के बीच लगातार बिना रुके कई दिनों से गोलाबारी हो रही है और गोलीबारी के धमाके यहां एक आम सी बात हो गई है। यहां तैनात जवानों के मुताबिक कई बार एक रात में कम से कम 600 से 700 गोले तक दागे जाते हैं। पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने की बड़ी साजिश रची थी। अक्टूबर 1998 में मुशर्रफ ने कारगिल प्लान को मंजूरी दी थी। पाकिस्तान को लगा होगा कि ऊंची चोटी पर कब्जे के बाद ये इलाका हमेशा के लिए उनका हो जाएगा, लेकिन उन्हें भारतीय सेना के अदम्य साहस का अंदाजा नहीं था। उन शूरवीरों को
नमन करना चाहूँगा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण निछावर किए इस कारगिल युद्ध में, और उन सभी सैनिकों को मैं सलाम करूँगा जिन्होंने इस मेरे युद्ध में हिस्सा लिया और फिजी होकर लौटे। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ तब MiG-27 और MiG-29 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था, लेकिन बोफोर्स तोप के गोलों ने पाकिस्तान को हराने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 13 जून को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पोस्ट पर तिरंगा फहराया था। फिर 24 जून को टाइगर हिल्स पर भारत की बढ़त शुरू हुई थी, जब वायुसेना ने मोर्चा संभाला और दो मिराज 2000 एयरक्राफ्ट्स को भेजा। इन लड़ाकू विमानों ने टाइगर हिल पर जमे बैठे पाक सैनिकों पर लेजर गाइडेड बमों के जरिए हमला किया था। टाइगर हिल पर भी तिरंगा लहराया और आखिरकार 26 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे से आखिरी चोटी भी छीन ली गई। आज देश के लिए उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है जिन्होंने जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तान का ताज बचा लिया। देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई शहीदों कुर्दों को याद रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के किसी सैनिक को भारतीय सेना के किसी अफसर के कहने पर पाकिस्तान का सर्वोच्च सैन्य सम्मान दिया गया होगा? करगिल युद्ध में ऐसा ही हुआ था, पूरी कहानी बता रहे हैं करगिल से हमारे संवाददाता कृष्ण मोहन मिश्रा। मैं इस वक्त द्रास में हूं और मेरे ठीक पीछे इस इलाके की सबसे ऊंची चोटी टाइगर हिल है। टाइगर हिल जिस पर कब्जे के लिए सबसे भयंकर लड़ाइयों में से एक लड़ी गई थी। ये लड़ाई कितनी जबरदस्त थी इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय सेना ने अपना सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव को टाइगर हिल पर कब्जे के लिए दिया था। पाकिस्तान ने भी अपने दो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार यानी निशाने हैदर टाइगर हिल पर हुई लड़ाई के लिए कैप्टन कर्नल शेर खान और हवलदार लालक जान को दिए थे। लेकिन जो मैं कहानी अब आपको सुनाने वाला हूं वो बहुत दिलचस्प है। कैप्टन कर्नल शेर खान और ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव दोनों को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार सिर्फ एक अधिकारी की सिफारिश पर दिए गए थे और वो थे ब्रिगेडियर MPS बाजवा। टाइगर हिल पर कब्जे के लिए लगातार घमासान लड़ाइयां चल रही थीं, लेकिन पाकिस्तानियों की मोर्चाबंदी इतनी जबरदस्त थी कि भारतीय सैनिक भारी संख्या में हताहत हो रहे थे और टाइगर हिल पर कब्जा नहीं किया जा रहा था। दरअसल पाकिस्तानी सेना 98 की सर्दियों में ही टाइगर हिल पर जम गई थी और उन्होंने पूरी सर्दियों में अपनी मोर्चाबंदी बहुत मजबूत कर ली थी। 192 ब्रिगेड के ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर MPS बाजवा लगातार टाइगर हिल पर प्रगति पर नजर रखे हुए थे और वो इस बात से बहुत फिक्रमंद थे कि टाइगर हिल पर कब्जा नहीं हो पा रहा है। आखिरकार उन्होंने सबसे आगे लड़ रहे सैनिकों से संपर्क किया और 8वीं सिख रेजिमेंट के सिपाही सतपाल सिंह ने उन्हें बताया कि पाकिस्तानियों को पीछे धकेल दिया जाता है, लेकिन उसके बाद ट्रैक सूट पहने हुए एक पाकिस्तानी सैनिक उन सैनिकों को ललकारता हुआ, जोश दिलाता हुआ आगे आता है और उसके बाद पाकिस्तानी दोबारा मजबूती से लड़ने लगते हैं। ब्रिगेडियर बाजवा समझ गए कि ये सैनिक ही पाकिस्तानी अफसर है और जब तक इस सैनिक को मारा नहीं जाएगा तब तक टाइगर हिल पर कब्जा नहीं किया जा सकेगा। ब्रिगेडियर बाजवा ने ऐसा ही आदेश दिया और आखिरकार सिपाही सतपाल सिंह ने केवल 10 गज की दूरी से इस पाकिस्तानी अफसर को मार गिराया जो ट्रैक सूट पहने हुए था और जिसका नाम कैप्टन कर्नल शेर खान था। पाकिस्तान ने अपने किसी भी सैनिक के शव को लेने से इनकार कर दिया था क्योंकि उसका दावा था कि उसका कोई भी सैनिक करगिल में नहीं लड़ रहा है। इसलिए ज्यादातर पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना पूरे इज्जत और सम्मान के साथ यहीं दफना रही थी, लेकिन ब्रिगेडियर बाजवा खास तौर पर कैप्टन कर्नल शेर खान के शव को नीचे लेकर आए और यहां से उन्होंने उस शव को दिल्ली भिजवाया। आखिरकार पाकिस्तान उस शव को लेने को राजी हो गया। ब्रिगेडियर बाजवा ने कैप्टन कर्नल शेर खान के ट्रैक सूट की जेब में
अपने हाथ से लिखा हुआ एक पर्चा लिखा पर्चा छोड़ा जिस पर लिखा हुआ था कि इस अफसर ने बहुत शानदार लड़ाई लड़ी है और इसको उचित सम्मान मिलना चाहिए। पाकिस्तानी सेना ने एक भारतीय सैनिक अफसर की सिफारिश को माना और कैप्टन कर्नल शेर खान को निशाने हैदर मिला, जो कि पाकिस्तान का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है और अब तक केवल 10 लोगों को निशाने हैदर मिला है। बाद में कैप्टन कर्नल शेर खान के पिता ने भारतीय सेना को धन्यवाद का पत्र लिखा। ये भारतीय सेना की पेशेगत ईमानदारी और बहादुरी को सम्मान देने की परंपरा है। ये उस कारगिल युद्ध में हुआ था जिस कारगिल युद्ध में पाकिस्तानी सैनिकों ने कैप्टन सौरभ कालिया और उनके 5 सैनिकों को पकड़ा था, उनको यातनाएं दी थीं और 20-22 दिन अपने कैद में यातनाएं देने के बाद उनकी हत्या की थी और उनके शव वापस भारत को सौंपे थे। लेकिन भारतीय सेना ने अपनी परंपरा का आखिरी वक्त तक निर्वाह किया। Presenting the news app available on Google Play and App Store. Download it now.